नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। संविधान चौक का हर आंदोलन हमारे दोनों चैनल के माध्यम से हम जन सामान्य तक के पहुँचाते हैं। आज संविधान चौक पर वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से जो राजस्थान में एक घटना हुई है, जो एक हेडमास्टर ने एक छात्रा को सिर्फ पानी पीने के मटके से पानी पिया तो उसको बेरहमी से मारा, उसकी उस दरमियान मौत हो गई, इसी के खिलाफ में आज यहाँ पे वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से इस घटना का निषेध किया जा रहा है। वो जो छात्र है वो दलित समाज का था और हेडमास्टर ने उसकी पीट पीट कर बहुत पीटा, इतना पीटा कि उपचार के दरमियान उसकी मौत हो गई। उसी के खिलाफ में ये वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से संविधान चौक पर आंदोलन किया जा रहा है। हम उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी क्या मांग है। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी के नागपुर शहर अध्यक्ष रविभाव शिंदे जी से जानूंगा। ये बताइए कि राजस्थान में जो घटना हुई है, एक बालक को, छात्रा जो था, छोटा बालक था, उसको मास्टर ने, हेडमास्टर ने मार डाला, क्या बताओ? सिर्फ उसका गुना था पानी पीना। तो क्या बताना चाहिए इनको? हमारा तो खून खौल रहा है। जो बाबा साहब अंबेडकर ने उस जमाने में मानवतावाद की, समतावाद की पेरनी की थी, सबको संविधान के माध्यम से अपने अधिकार प्रदान किए थे, और आज क्या हालत हो रही है इस देश की? शिक्षक, लोगों को पढ़ाने वाला, शिक्षा देने वाला हेडमास्टर, मास्टर सिर्फ पानी पीने के लिए उस निरपराध बालक की हत्या कर देते। ऐसे इन गहलोत सरकार का और मोदी सरकार का ये मैं विरोध करता हूँ। वंचित बहुजन आघाड़ी विरोध करती है। मैं संगीता गोदनकर, वंचित बहुजन महिला आघाड़ी अध्यक्ष। जो घटना हुई है वो अभी 2022 में जो हो रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। इसके लिए आज जो घटना हो रही है, इसके लिए मानवता बिल्कुल शर्मसार है, और हम बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आज के ज़माने में ये हो रहा है। और ये जो हुई है, इसके लिए तो अभी बिल्कुल सभी लोगों की मांग है, हमारी भी मांग है कि उसको, वो जो टीचर है, टीचर क्या, वो टीचर ऐसे, टीचर को उन्होंने रखा ही कैसे? टीचर लोग अगर ऐसी मानसिकता रखते हैं तो फिर बाकी के लोग वो क्या पढ़ाएंगे, वो स्कूल में क्या पढ़ाते होंगे? अगर वो अपने स्टूडेंट को पानी पीने के लिए अगर वो मार रहा है, आज भी पानी का संघर्ष करना पड़ रहा है, ये आज हमको ये देखना पड़ रहा है कि पानी के लिए हमारा कोई बच्चा मर गया है, इससे ज़्यादा निंदनीय घटना कोई नहीं हो सकती। मानवता यहाँ पर शर्मसार हो गई है। क्या मांगे आप? उसको फांसी होनी चाहिए, और उसको तो फांसी होनी चाहिए। और तो कि 1917 में भी छुआछूत थी, और अभी ये 2022 है तो भी ये घटना से ऐसी पता चलता है कि आज भी छुआछूत देश में है। मैं और बताना चाहूँगा, और क्या बताओगे आप? 1917 में भी छुआछूत थी और अभी 2022 है, छुआछूत देश से गई नहीं है, एक बच्चे की जान ली जाती है हेडमास्टर द्वारा, क्या कहोगे? सर, बाबा साहब अंबेडकर ने मनुस्मृति जो ग्रंथ था वो ग्रंथ जलाया, और उसके बाद अपने देश में संविधान लाया है। 26 नवंबर 1950 में इस संविधान को लिखकर पूरा हो गया, और 26 जनवरी 1950 को इस देश को यह संविधान बाबा साहब ने दिया है, और सभी जो मनुवाद था वह सारा मनुवाद इसमें अभी ये कर दिया, बाबा साहब ने जला दिया था सारे मनुवाद को। फिर भी ये मनुवादी जो सरकार है, मनुवादी जो लोग हैं इस देश में, ये लोग अभी आप देख रहे हैं कि ये बच्चों के साथ क्या हो रहा है जिलोर में, राजस्थान में जो जिलोर है वहाँ पे इंदिरा मेघवाल नाम का जो बच्चा है वो तीसरी क्लास का स्टूडेंट है, और इस तीसरी क्लास के स्टूडेंट के ऊपर ये जो शिक्षक है यहाँ का, मनुवादी शिक्षक है, हरामखोर है वो साला, उसको तो मैं मतलब ऐसा खून खवल रहा है कि उसको वो राजस्थान में जाके जैसे वो बच्चों को उसने कुचल कुचल कर मारा है, वो उस तरह ही लोगों ने वहाँ पे उसको कुचल कुचल कर मारना चाहिए। वो फांसी वासी को तो बात का है। तो ये मैं बताना चाहूँगा ये जो संविधान के खिलाफ ही काम कर रहे हैं ना सर, तो इनको ऐसे ही मतलब
नहीं 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 कानून हाथ कानून भी हाथ में ले सकते ना बच्चे नहीं नहीं कानून हाथ में क्यों ले रहे कानून हाथ में मतलब बच्चों की जान ले रहा है जो शिक्षक ये अपने ये रोष जता रहे हैं अपना और कुछ नहीं ये वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता है अपना रोष जता रहे हैं उनका कहना ये है कि ये तीसरी बच्चा होता तो आप उस जगह पे आप कानून का विचार नहीं करते सर। जो बच्चा बेचारा निरपराध बच्चा है उसको कुछ समझता नहीं है और पानी के लिए पानी को छुआ उसने कोई गुनाह किया था क्या? बराबर है उसने उस वो तीसरी क्लास का बच्चा है और तीसरी क्लास के बच्चे ने सिर्फ पानी को छुआ है और पानी को छूना क्या जुर्म है? क्या पानी को छूना जुर्म है? बताइए आप पानी को छूना जुर्म है? पानी को छूना जुर्म है ये तो नैसर्गिक अधिकार है आदमी का पानी। फिर क्यों तीसरी क्लास के बच्चे को हेडमास्टर ने मारा? नहीं ये मनुस्मृति का और जातिवाद का जो पगड़ा है भारत देश के मनुवादी के लोगों के उस मानसिकता के ऊपर में जो इस देश के अंदर में बुद्धिज्म को मानते ये सारी चीज़ों को नहीं मानते लेकिन अदर देन बुद्धिज्म और फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा को छोड़ के जो लोग इस देश के अंदर में सोचते हैं निश्चित रूप से वो जातिवादी मानसिकता से प्रेरित लोग हैं और ऐसे प्रेरित लोगों की ही माइंड में ये सारी चीज़ें आती है और उन्होंने इस घटना को अंजाम देने का काम किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए सरकार ने राजस्थान सरकार ने उसकी नैतिक जिम्मेदारी ले लेना चाहिए और उसके ऊपर में कड़ा सा कड़ा कानून बनाना चाहिए। जैट्रेट सिटी एक्ट के अंदर में फांसी की सजा का प्रावधान करना चाहिए ये हमारा उसके अंदर में कहना है। निश्चित ही वो जो तीसरी क्लास का जो छात्र है राजस्थान में जो घटना हुई है वो काफ़ी निंदनीय घटना है और सिर्फ वो बच्चे का इतना ही बच्चे को प्यास लगी और बच्चा सिर्फ मटके का पानी पी रहा था तो हेडमास्टर ने उसकी पीट पीट कर उसको मौत के घाट उतारा। ये कहीं तो भी मानवता को कालीमा फांसने वाली ये घटना है। मेरे साथ में और भी है वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता है हमारे साथ में हम उनसे जानेंगे क्या ये जो राजस्थान में जो घटना हुई है एक तीसरी क्लास के छात्रा को जो मारा गया है क्या बताओगे? जहां देश एक और आज़ादी का स्वर्ण महोत्सव मना रहा था ऐसे समय में राजस्थान में एक मानवता को कलंकित करने वाली घटना इस देश में घटी। मैं पूछना चाहूँगा उन लोगों से जो लोग भारत को विश्व गुरु बनाने में तुले हुए हैं कि आज इतनी बड़ी घटना इस देश में हुई राजस्थान में एक बच्चे को मारा गया इस पर कोई किसी की आवाज़ नरेंद्र मोदी की आवाज़ मोहन भागवत की आवाज़ इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं है। मुझे इस घटना पर साहिर लुधियानवी की वो दो लाइनें आती है। साहिर लुधियानवी ने कहा था कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहा है। मैं भी पूछना चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों को भारत पर और हिंदुस्तान पर नाज है वो आज इस घटना के बाद अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? मैं मनुवादी मानसिकता और जातिवादी मानसिकता के लोगों को बताना चाहूँगा अगर इसी प्रकार से अगर आपकी घिनौनी मानसिकता रही तो आने वाले समय में बाबा साहब ने कहा था कि जब जब देश हित और मेरे हित में अगर टकराव होगा तो मैं देश हित को महत्व दूंगा लेकिन जब जब देश हित और दलितों के हित के प्रति अगर टकराव होगा तो मैं दलित हित के समर्थन में रहूंगा। इसलिए मुझे ये लगता है मैं चेतावनी देना चाहता हूँ उन मनुवादियों को उन जातिवादियों को कि आए जातिवादियों आप लोग सुधर जाओ। अगर 85% इस देश का बहुजन समाज जो SC ST OBC है अगर इनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं रुका तो आने वाले समय में और भी आज़ादी की जंग इस देश में शुरू होगी। और जब निश्चित ही मैं था कि उसको प्यास लगी और मटके का पानी पिया हेडमास्टर के क्या वो जुर्म है? कैसा है कि हिंदू धर्म में जो भी अछूत है उस अछूत को इंसान समझते नहीं है वो और जब वो इंसान नहीं समझते तो वो हैवानियत पे उतर आते हैं और उस बच्चे को सिर्फ पानी को छुआ पानी पिया करके जो वो बच्चे को मरे दम तक मारा गया ये दुनिया के इतिहास में इस तरह की कोई भी घटना पैरेलल नहीं मिलेगी आपको। इतने घटिया और इतने हीनस इतने मानवता द्रोही और इतने पशुतुल्य ये लोग हैं कि इन लोगों ने उस बच्चे को मारा। हम आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं। कौन सी आज़ादी किसकी आज़ादी? बाबा साहब ने कहा था हम दो प्रकार के गुलाम हैं एक ब्रिटिशों के गुलाम है और दूसरे हायर कास्ट के गुलाम है। ब्रिटिश तो चले गए मगर हायर कास्ट की गुलामी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमारा सांस लेना खत्म हो गया। जनगण मन बोलते हैं उस जनगण मन के अंदर के हम जन नहीं है
वी द पीपल बोलते हैं प्रियम्बल में, वी द पीपल के हम पीपल नहीं है इस देश में। बाबा साहब ने कहा था मिस्टर गांधी आई हैव नो मदरलैंड, आई हैव नो होमलैंड। तो आज हमको ये कहना पड़ रहा है कि हमारी मातृभूमि नहीं है, अगर रहती तो ये घटना नहीं होती। मैं निश्चित ही ये वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से यहाँ पे इस ये जो राजस्थान की जो घटना है उसका निषेध किया जा रहा है। बहुजन आघाड़ी ये अनुरोध करती है कि संसद का स्पेशल अधिवेशन बुलाया जाए, क्यों कि 2017 से 2022 तक 30% बढ़ गए हैं ये अत्याचार, इसको हम कास्ट टेररिज्म कहते हैं। तो उन्होंने स्पेशल सत्र बुलाना चाहिए, वाइट पेपर निकालना चाहिए और ये जो एट्रोसिटी एक्ट है इसको कास्ट टेररिज्म एक्ट में कन्वर्ट करना चाहिए, क्यों कि ये टेररिस्ट के एक्ट जो लगता है तो उसको साथ देने वाले भी अंदर जाते हैं और उनको फांसी देनी चाहिए। जैसे कि अभी एक कानून आया है कि 18 साल के अंदर के बच्ची को बलात्कार हुआ तो उसको फांसी दो, तो हम ये बोल रहे हैं कि 18 साल के अंदर के कोई भी ऐसे बच्चे के और बच्ची के ऊपर में अत्याचार हुआ तो करने वाले को फांसी दो और ये कास्ट एट्रोसिटी बंद करो और कास्ट टेररिज्म एक्ट लाओ और इस देश को बताओ कि आने वाला भविष्यकाल ये यहाँ के दलितों के लिए सुरक्षित है या नहीं। नहीं तो हम ये कह रहे हैं कि ये 25 करोड़ जो जनता है दलितों की, इन्होंने हिंदू धर्म छोड़ देना चाहिए। निश्चित ही निश्चित ही राजस्थान में जो छात्रा की हेडमास्टर ने जो मौत यानी पीट पीट कर उसकी जो हत्या की है उसको फांसी की शिक्षा होना चाहिए, एट्रोसिटी एक्ट में एक नया प्रावधान किया जाए, ऐसी मांग वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से की जा रही है। और यहाँ पे जो राजस्थान की जो घटना है जो छात्रा को पीटा गया है उसका संविधान चौक पे निषेध किया गया वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से। तो आप देखते रहिए आईबीएम टीवी 9 न्यूज़ डब्ल्यूएच न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।